मेरा नाम सलीम है भैया। क्या हुआ आपकी पत्नी के साथ? मेरी पत्नी के साथ में ये हुआ, मैं बैठक में बैठा हुआ था, ठीक है। तो अंदर मेरी पत्नी बैठी हुई थी बच्चों के पास में, उन्होंने मुझे आवाज़ दी। आवाज़ देने के बाद बोलती है मच्छरदानी लगवाओ। मैंने मच्छरदानी लगवाई उनकी। मैं जैसे अंदर को गया ना, तो एकदम से हमारी पत्नी अंदर चली गई। तो मैं उन्हें देख के घबराया, क्योंकि उनको पसीना बहुत ज़्यादा था। मैंने अपने किराएदार को आवाज़ दी, तो मेरा किराएदार आया, उसने उठवाया अंदर से, बाहर लेके आए हम लोग। फिर उसके बाद हमारी भाभी आई, भाभी ने बोला कि इनको पानी पिलाओ, शायद ये होश आ सकता है, क्योंकि बेहोश थी उस टाइम पे। हाथ पैर तो चल रहे थे उनके, मतलब क्षेत्र रहे थे, मतलब बोलना चाह रहे थे हम सब कुछ, मगर बोल नहीं पाए। तो इस कारण हमने उनको बाहर डाला ला के। और बाहर से जब हम उन्हें पानी पिलाने के लिए अंदर गए ना, तो वहाँ पर चोटी पड़ी हुई थी बेड के ऊपर। हम वो चोटी उठा के लाए, पानी ले के आए, उनको पानी पिलवाया, फिर उसके बाद अस्पताल लेके गए थे हम। रहस्यमय ढंग से उनकी मौत हुई है? हाँ जी, रहस्यमय ढंग से मौत हुई है उनकी? जी सर। अच्छा, फिर अस्पताल लेके गए, फिर क्या हुआ? अस्पताल में लेके गए तो उन्होंने जाते जाते मतलब एक्सपायर हो गए थे वे।